दवाइयों की बात मैं अभी करूंगा, फाइव काइंड ऑफ मेडिसिन जो आपको दी जा रही हैं, जो आपको दी जाएगी, जो घर में भी आपको लेना है. दीज आर द फाइव मेडिसिन. ये पांच मेडिसिन अगर आप ले लेंगे, हमने ये देखा है पेशेंट ठीक होने लगते हैं. जब मैं बोलता हूँ ठीक होने लगते हैं, तो मेरा डेफिनेशन ठीक होने का यह है, आपकी जो तकलीफ है, आपका पेन, आपकी कमजोरी, वो ठीक होने लगते हैं. उसको जब भी मैं बोलूं ठीक होने का, मेरा मतलब एक ही है कि आपकी दवाइयां छूट जाएं, आपकी इंसुलिन छूट जाए, आपकी डायलिसिस छूट जाए, आपकी किसी भी तरह से निर्भरता किसी आर्टिफिशियल चीज पे पूरी तरह छूट जाए, और जो डिस्कम्फर्ट है वो भी ना रहे, यानी कि आप ठीक है. यही डेफिनेशन मान के चलिए. तो पांच तरह की दवाइयां जिसपे जिसकी बारे में बात करेंगे, उनमें से पहली दवाई है टाइम एज मेडिसिन. ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले लिया. इसे ध्यान से सुनिए. घर जाने के बाद अगर आपको कोई एक बदलाव अपने घर में करना है, तो वो ये बदलाव होना चाहिए. खास तौर पे कोई ऐसा इंसान जो बीमार है किसी भी वजह से, कोई बीमारी क्यों ना हो, टाइम एज मेडिसिन को समझने के लिए आप के पास ये पेन है, जिनके पास है इसको निकाल लीजिए. ये पेन आप देखिए यहां पे स्क्रीन पे, और साथ में इस पेन में एक स्केल बना हुआ है, टाइम स्केल, मिडनाइट से लेकर मिडनाइट तक, 24 घंटे का, रात के 12 बजे से लेकर अगले दिन रात के 12 बजे तक का बना हुआ है. इसमें चार रिंग हैं, और ये चारों रिंग को अगर ठीक से जोड़ेंगे, हर रिंग में एक एक अक्षर लिखा हुआ है, तो टोटल मिला के ये बन जाएगा फूड, FOOD. ये फूड बन जाएगा. आप इसमें स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और अपने पेन में देख रहे हैं. ये पेन इसलिए आपको दिया जा रहा है क्योंकि ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये इतना महत्वपूर्ण है, कहीं ऐसा ना हो कि घर जाके भूल जाए. हम ये उम्मीद करते हैं पेन आपको जब भी दिखेगा तो ये याद दिलाएगा कि आपको क्या करना है, जो हम यहां भी करा रहे हैं आपको. अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास पेन आ गया है, और आपने पेन के चारों रिंग को इस तरह से जोड़ा है कि वो FOOD फूड बना रहा है. जिनके पास पेन नहीं है तो वो स्क्रीन पे देख सकते हैं. अब मान लीजिए आप सुबह नाश्ता करते हैं करीब 7 बजे, तो F को जहां 7 लिखा हुआ है वहां पे आप रख दीजिए, जहां 7 लिखा है वहां F रख दीजिए. मान लीजिए आप लंच करते हैं 1 बजे 2 बजे, तो दोनों O को एक बजे 2 बजे के बीच में कहीं रख दीजिए. मान लो आप डिनर करते हैं रात के 9 बजे, तो D फॉर डिनर, डिनर को रात के 9 बजे के आसपास रख दीजिए. जिस तरह से मैंने चारों रिंग को फैला दिया है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के हिसाब से, लगभग लगभग हम में से अधिकतर लोगों का जो दिनचर्या रहता है वो कुछ ऐसे ही रहता है. 7-8 बजे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, 1-2 बजे लंच कर लेते हैं, 9-10 बजे डिनर कर लेते हैं. जो भी खा रहे हैं वो अलग अलग है, बट ये चीज नॉर्मल ऐसे रहती है. जो अभी आपने इसको क्लोजअप पे लो, ये एक सिंपल नियम आप याद रखिए, जितना आप इस रिंग को फैलाएंगे, दूर दूर कर देंगे, उतनी बीमारी बढ़ती जाए. सुबह 5 बजे ब्रेकफास्ट कर लीजिए, रात के 12 बजे डिनर कर लीजिए. जितना उसको रिंग को फैलाएंगे उतनी बीमारी बढ़ती रहेगी. जितना इस रिंग को पास पास कर पाएंगे, मैं खाने को कम ज्यादा करने की बात नहीं, मैं सिर्फ तो कम ज्यादा करने की बात कर रहा हूं. जिस प्रकार यहाँ पे आप देखते हैं कि सुबह नाश्ता लगभग 9 बजे करते हैं, तो रिंग को मैं 9 के आसपास ले आ रहा हूँ, और डिनर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, 7 बजे तक डिनर फिनिश कर दिया है, तो 7 तक ले आ रहा हूँ. अब ये दोनों रिंग पास आ गए लंच की जगह पे. जितना आपका खाने का ब्रैकेट पास पास होगा, उतनी जल्दी बीमारी ठीक होने लगेगी. टाइम एज मेडिसिन मतलब आपको सिर्फ इतना करना है, सुबह 8 बजे से पहले कुछ मत खाओ, शाम के सनसेट के बाद कुछ मत खाओ, उससे पहले डिनर कर लो. अगर तो आप ऐसा कर पाते हैं तो 7 दिन लगेंगे आपके ब्लड शुगर को कम होने में, 7 से 10 दिन लगेंगे ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, करीब 15 दिन में जो पेन है, ज्वाइंट पेन वगैरह है, वो कम होने लगेगा.
करीब 15 से 21 दिन में, करीब एक महीने में 5% वेट कम होगा, और ऐसा 6 महीने तक करेंगे तो आपका जो नॉर्मल बीएमआई है, जो मोटे हैं वो नॉर्मल बीएमआई में आने लगेगा। आप देखेंगे अधिकतर बीमारियों में, चाहे वो ट्यूमरस ग्रोथ है या ट्यूमर की वजह से पेन है या हीमोग्लोबिन जिनका डाउन रहता है, अधिकतर बीमारियों में एक महीने के अंदर आपको क्लियर कट डिफरेंस ऐसे दिखेगा कि मजबूरी होगी कि ब्लड शुगर की दवाई को कम करना, ब्लड प्रेशर की दवाई को कम करना, ये सारे आपके लिए मजबूरी हो जाएगी। सिर्फ एक बदलाव, टाइम एज मेडिसिन। इसका उल्टा कर लीजिए कि आप रात को, जैसे अभी रमादान चल रहा है ना, अभी रमादान चल रहा है, एक महीना चलता ना, चल रहा है मेरे ख्याल से, है ना। रमादान में जो पेशेंट्स हैं मुस्लिम हमारे, वो क्या करते हैं, ठीक, इसका उल्टा, शाम को 6-6:30 के बाद खाना शुरू करते हैं और अगले दिन सुबह 3:30-4 तक के बाद खाना बंद कर देते हैं। उस एक महीने के अंदर, क्योंकि उन पेशेंट को मैं फॉलो करता हूँ, हमारे पेशेंट हैं, उनका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, उनका बीपी बढ़ जाता है, वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, वो थोड़े बीमार हो जाते हैं, वो थोड़े कमजोर हो जाते हैं, सारे उनके उनकी दिक्कतें आने लगती हैं वापस। और जैसे ही रमादान हो गया, दोबारा दिन में खाने लगे, सनसेट से पहले या सनसेट के आसपास खाने लगे, तो दोबारा वो होने लगता। आपने गौर किया होगा चूहों को आधी रात को, कभी आपने ध्यान दिया होगा अगर आप जाते हैं किचन में पानी पीने आधी रात को उठ के भूख लगी, तो चूहे की खुटर कुछ 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 ना कुछ आवाज सुनाई देती है। तो रात को सब लोग सो गए, चूहा क्यों जगा हुआ? चूहे को नेचर ने नॉक्टर्नल बनाया था, उसको रात के खाने के हिसाब से प्रोग्राम्ड है, वो रात को ही खाता है, वो दिन नहीं खाता। हम दिन के लिए बने। दो चूहे पकड़ लीजिए, एक चूहे को दिन खाना दीजिए और शाम होने के बाद खाना दीजिए, और दूसरे चूहे को रात खाना दीजिए और सुबह होते ही खाना डाल लीजिए, अगर वो खाना नहीं खाता तो। आप देखेंगे जो सुबह दिन में खाना खा रहा है वो मोटा होता जाएगा, उसका ब्लड शुगर बढ़ता जाता है, उसके सारे पैरामीटर खराब होने लगते हैं और वो जल्दी उसकी मृत्यु हो जाती है। चूहे का जो लाइफ साइकिल है बहुत थोड़ा सा होता है, तो इस चूहे पे ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि चूहे को रात के खाने के हिसाब से डिजाइन किया, हमारे बॉडी को दिन के हिसाब से डिजाइन किया। कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जहां पे मजबूरी है रात को खाना खाना, जो नाइट ड्यूटी पे रहते हैं, जैसे डॉक्टर्स, हमारे हॉस्पिटल में भी इमरजेंसी डॉक्टर, उनकी ड्यूटी रात को लगती है। सोल्जर्स हैं, वो तो रात को होते, नाइट ड्यूटी वाले भी सोल्जर्स हैं, जो पायलट्स हैं, जो एयर होस्टेस हैं। पूरे दुनिया में देखा गया है कि इन लोगों में मॉर्टलिटी रेट, इन लोगों में कैंसर, इन लोगों में हार्ट डिजीज, कोमा कई गुना ज्यादा हो। तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि जो लोग बीमार हैं, जो अपनी बीमारी की वजह से घर पे ही बैठे हुए हैं, नौकरी भी छोड़ के, वो देख रहे हैं, क्योंकि वो अपना सारा कुछ छोड़ के बैठे हुए, बिकॉज वो उनकी बॉडी उनको साथ नहीं देगी, तो वो ये कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में जितने भी हॉस्पिटल हैं, 7 के बाद किचन इज क्लोज्ड, पेशेंट के लिए किचन बंद है, क्योंकि हमें ये पता है कुछ और काम करें ना करें, टाइम एज मेडिसिन तो काम कर ही देगा। पेशेंट जब हफ्ते भर रुकेंगे तो उनका थोड़ा थोड़ा बॉडी पेन कम होगा, थोड़ा ब्लड शुगर कम होगा, थोड़ा ब्लड प्रेशर कम होगा, थोड़ी वीकनेस कम होगी, थोड़ा एक्सेस फैट कम होगा, ये तो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो घर पर भी किया जा सकता है, इसके लिए यहाँ या किसी भी हॉस्पिटल में आके पैसे देके करने की आवश्यकता है नहीं। टाइम एज मेडिसिन, ये मैं जानता हूँ कि ये हमेशा करना पॉसिबल नहीं भी होगा, शादी में गए, ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन मैं ये उनकी बात कर रहे हैं, कह रहा हूं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो बीमार है। और मैं ये भी बोल रहा हूं साथ में कि भाई जितना हो सके उतना करना है, एटलीस्ट कभी कभी अगर नहीं भी करते हैं लेकिन मेजरली दिमाग में रखना है, हो सके तो 6 नहीं तो 7 तक हम डिनर फिनिश करें। टाइम एज मेडिसिन, इसके पीछे का जो साइंस है उस पर हम कल चर्चा करेंगे, लेकिन ये पहली मेडिसिन है जो सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन है, जिस पे आपको नजर रखनी है, इफ नॉट 100% एटलीस्ट 80% कीजिए, 70% कीजिए, जब तक आपकी दवाइयां ना छूट जाए और सिम्टम ना चले जाए। जब दवाइयां भी छूट गई
और आपकी सिम्टम भी चले गए, अब आप फ्लेक्सिबल बन जाएंगे 8 AM to 8 PM, राइट, तब आप थोड़ी फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, तब थोड़ी चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अभी बीमार है तो अगले 1 से 3 महीने या 4 महीने तक तो स्ट्रिक्टली किया ही जा सकता है। हमारे यहाँ पे मेरे पास सारे रिकॉर्ड आप सबके हैं, यहाँ पे 20-20 साल से दवाइयां ले रहे हैं, आप कल हैरान हो जाएंगे, जो आप में से 20-20 साल से दवाई ले रहे हैं ब्लड शुगर की, बीपी की, कल तक आप देखेंगे, क्योंकि कल तक 48 आवर हो चुके होंगे, अभी तो 24 आवर्स में, कल तक आप देखेंगे उनकी इंसुलिन छूट गई, उनकी दवाइयां छूट जाएंगी और ब्लड शुगर प्रेशर नॉर्मल रहने लगेगा, वो सब आप देखने वाले हैं, एक दिन और, तो जब ये देखेंगे तब आप याद कीजिएगा कि हम यहाँ आने के बाद हमने ये नियम भी अप्लाई किया आपके ऊपर, टाइम एज मेडिसिन। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी दवाई की तरफ, फूड एज मेडिसिन। आप में से कितने लोगों ने DIP डाइट का के नाम सुना पहले से, यहां आने से पहले? काफी, थैंक यू। आज से करीब 12 साल पहले मैंने DIP डाइट का इजाद किया था, और तब तो इस सोच से किया था कि इससे ब्लड शुगर कम होगा, लेकिन हमने देखा कि जो ब्लड शुगर कम करने के लिए जो पेशेंट लेते थे उनमें से बहुत सारे जो जिनको और भी तकलीफें थी, जिनको जॉइंट पेन वगैरह था, जो बहुत मोटे थे, जो बहुत फील करते थे, उनकी वो तकलीफें भी दूर होने लगी, उनको ब्लड प्रेशर की दवाइयां छोड़ना के लिए मजबूरी होने लगी। तो उसके बाद DIP डाइट जब लोगों पे काम करने लगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसमें क्लिनिकल ट्रायल किया, और क्लिनिकल ये दिस इज द बुक 12 साल पहले जो मैंने रिलीज किया था, तब DIP डाइट सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज के लिए ऐसा हम प्रमोट करते थे, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हड्डियों की बीमारी पे, 2 साल क्लिनिकल ट्रायल चला और तब देखा कि DIP डाइट से हड्डियों की बीमारियां ठीक होती हैं, जॉइंट पेन वगैरह ठीक होते हैं, थायराइड ठीक होते हैं। तो DIP डाइट का क्लिनिकल ट्रायल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने इस पे क्लिनिकल ट्रायल किया, लेकिन ये ट्रायल छोटा सा था, 7 दिन का, और देखा 7 दिन के अंदर ही ब्लड शुगर की दवाइयां छूट गई लोगों की, ब्लड प्रेशर की दवाइयां छूट गई लोगों की, और जो लोग बहुत मोटे थे उनके भी वेट रीजनेबली कम होने लगा। तो ये क्लिनिकल ट्रायल का नतीजा है जो नेपाल में किया गया। फिर एक क्लिनिकल ट्रायल किया, ऑब्जर्वेशन स्टडी मलेशिया में किया गया, वो इस बार ये 25 दिन के लिए किया गया, किडनी पेशेंट पे किया, और देखा कि किडनी पेशेंट्स की जो किडनी फंक्शनिंग है वो 25 दिन के अंदर ही क्लियरली ठीक होने लगी जब उन्होंने ये स्टडी की। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन स्टडी को भी छोड़िए, आप सबने भी देखा होगा अपने आसपास, आप में से बहुत सारे लोग करते भी होंगे कि DIP डाइट लेते ही, जो कि हम यहाँ भी कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं, डिस्कम्फर्ट्स हैं, वो कम होने लगते हैं, लिहाजा हमें अपनी दवाइयाँ छोड़ना मजबूरी हो जाती है, इंसुलिन छोड़ना जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि नहीं छोड़ेंगे तो ब्लड शुगर बहुत नीचे चला जाएगा, ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला जाएगा, तो वो एक और मुसीबत आ जाएगी। तो DIP डाइट क्या है, सिंपल 3 बातें याद रखिए। पहला तो ये कि 12 बजे तक सिर्फ फलों पे रहना, कोई भी फल ले सकते हैं आप, कोई भी 3 से 4 तरह के फल, मीठे से मीठे फल, खट्टे से खट्टा फल, जो आपको पसंद हो, जो मिल जाए, वो केला हो सकता, चीकू हो सकता, अंगूर हो सकता, खरबूज हो सकता, तरबूज हो सकता, जो भी लोकली अवेलेबल हो। एक फल का नाम लेंगे तो बहुत सारे फल है, तो जब मैंने बोला कोई भी ले सकते हैं तो कोई भी मतलब कोई भी, बिल्कुल कोई भी, 3 से 4 तरह के फल ले लिया, कितना आपके बॉडी वेट अनुसार, जैसे मेरा बॉडी वेट 70 kg तो x10 कर देंगे तो 700, उसे ग्राम बना दिए, मुझे 700 ग्राम खाना है, ऐसा सोचिए, दैट इज माय डोज। लेकिन अगर 700 ग्राम से भूख नहीं मिटती तो बेशक आप 1700 ग्राम खा लीजिए, ज्यादा खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर 500 ग्राम में पेट भर जाता है, आप फूस दिया और खा ही नहीं सकते, जैसे कि मान लो 60 के ऊपर के जो लोग हैं उनकी थोड़ी सी जो मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है, जरूरत कम हो जाती है, तो पेट भर गया तो आप वही खाना रोक सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये एक इंडिकेटिव नंबर है कितना खाना है, लेकिन पेट भर के खाना, 3 से 4 तरह के फल आप देखेंगे, ये ब्रेकफास्ट भी हमने फलों का ब्रेकफास्ट साथ लिया होगा, कल भी लेंगे, कल आपको आम भी मिलेगा, राइट, आज मिला था, नहीं कल मिलेगा प्रॉब्लम, राइट, आम का सीजन तो आ ही गया है। हमने ये दिखाया है कि डायबिटीज के पेशेंट अगर 1 किलो 2 किलो आम एज ए ब्रेकफास्ट खाने लगे तो उनकी दवाइयां बड़ी जल्दी छूट जाती, उनकी इंसुलिन बड़ी जल्दी छूट जाती,
सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप कल तक करके देखेंगे और शाम तक मैं रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। तो कई बार लोग सोचते हैं कि अरे 15 साल से मैं आम नहीं खा रहा था क्योंकि इससे डॉक्टर ने मना किया है। अरे 15 साल से आप डायबिटिक पेशेंट भी इसीलिए हैं क्योंकि आम नहीं खा रहे थे। इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर डॉक्टर की सारी बात मान के आप चल रहे हैं तो फिर तो ठीक हो जाना चाहिए था ना। अब उसका उल्टा करके देखते हैं, 2 दिन में रिजल्ट देखते हैं, कल तक रिजल्ट देखते हैं, अब क्या होता है? 15 साल जो किया वो किया और 2 दिन में अब क्या होता है? स्टेप वन, ये जो बता रहा हूं ये सारी बीमारियों के हिसाब से बता रहा हूं, ना कि सिर्फ डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में। स्टेप टू, लंच और डिनर के लिए जब भी आप बैठेंगे 2 प्लेट लेके बैठिए। प्लेट टू में जो खाना अभी खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आपका ट्रेडिशनल डाइट है, वो सब यहाँ पे रखना, जरूर खाइए वो। लेकिन इससे पहले सलाद खा लीजिए, टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी मटर सलाद पत्ता लाल तिलियारी शिमला मिर्च प्याज वगैरह। अगर कच्चा खाना आपको दिक्कत आती है, दांत वगैरह उतना सपोर्ट नहीं करता या आप उतने थोड़े बहुत आलसी हैं, बहुत कौन चबाएगा, थोड़ा स्टीम कर लीजिए उसको। आपके बॉडी वेट इंटू 5, जैसे मेरे हिसाब से मेरा 350 ग्राम बनता है, 350 नहीं चलो 300 ग्राम, अच्छा 300 खाने का मन कर 250 ग्राम खा लो। तो ये खाने के बाद ये मैंने खा लिया, अब कुक्ड फूड ये भी खा लो पेट भर। पहले दिन जैसे कल का दिन आपका पहला दिन था, आज दूसरा दिन है, पहले दिन ये खाने के बाद लगेगा पेट भर गया, आप नहीं खाएगा। लेकिन 2-3 दिन ऐसे खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, आपकी भूख बढ़ जाएगी। पहले अगर 4 रोटी खाते थे, अब भी 4 रोटी खा पाएंगे, इवन इफ की आप ये ले रहे हैं। तो आपके खाने को मैं घटा नहीं रहा हूं, उल्टा बढ़ा रहा हूं। एक चीज और ऐड कर देना, लंच में ये करना है, डिनर में ये करना, डिनर में भी ये करना है। ये जो ये रिकॉर्डिंग है ना, एक दो बार घर जाकर सुनना भी पड़ेगा ताकि कहीं कहीं मिस करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। एक आखिरी बात, जो भी चीज फैक्ट्री से निकल के आती है पैकिंग में, उसको छोड़ दीजिए कुछ दिनों के, जब तक पूरी तरह ठीक ना हो जाए, उसके बाद कभी कभी ले सकते हैं। और दूसरी बात, जो भी चीज जानवरों से निकल के आती है, जैसे दूध या दूध से बनी हुई चीजें या अंडे या मीट मछली, छोड़ दीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये सब पॉइजन है, लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब तक ठीक नहीं हो तब तक तो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद अगर आपका मन करे और आप हेल्दी हैं, या जो लोग ऑलरेडी हेल्दी हैं तो जो भी आप ले रहे हो लेते रहिए, लेकिन जो लोग हेल्दी नहीं है तभी यहाँ पे हैं तो ये छोड़ दीजिए। कई लोग ऐसे बोलेंगे कि डेयरी प्रोडक्ट दूध तो अच्छा होता है। देखिए इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है ना। गाय, एक शेर गाय का शिकार कर लेगा, लेकिन गाय को पकड़ के गाय का दूध कभी नहीं पिएगा वो, है ना। तो जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको दूध देंगे या पालतू बिल्ली को देंगे तो उनके पास मजबूरी है कि जो भी देंगे खाना पड़ेगा, बिकॉज लिमिटेशन है। लेकिन एक जंगल में अगर कोई कुत्ता है बिल्ली है, वो किसी और जानवर का दूध नहीं पिएगा। फॉर दैट मैटर, दूध सिर्फ बाकी जानवर देखें तभी तक पीते हैं जब तक कि वो उनके दांत ना निकल जाए। इंसान के केस में जिंदगी भर हम पीते हैं, है ना। तो दूध बड़ा न्यूट्रिशियस है, लेकिन उस जानवर के लिए जिस जानवर का वो दूध है, उस जानवर के हिसाब से बना है ना, नट एंड बोल्ट। मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई आप कार चलाते हैं Maruti 800, और मैं बोलूँ कि ये जो ट्रक का टायर तो ज्यादा मजबूत होता है तो ये लगा लो कार में, तो मजबूत होता है लेकिन ट्रक का टायर ट्रक के लिए बना है ना। तो गाय के दूध में जो ग्रोथ हार्मोन है, दैट इज 6 टाइम मोर देन द ग्रोथ हार्मोन ऑफ ह्यूमन मिल्क। तो गाय का दूध, भैंस का दूध बच्चों को पिलाएंगे तो बच्चे तेजी से बड़े हो जाते हैं। एक बछड़ा 6 महीने में 100 किलो का बन जाता है, लेकिन हमें अपने बच्चे को गाय भैंस तो बनाना नहीं, इंसान बनाना है। याद रखिए, जो भी चीज तेजी से बढ़ती हो वो जरूरी नहीं कि अच्छा हो, ट्यूमर भी तेजी से बढ़ता है, कैंसर भी तेजी से बढ़ता है। तो जिंदगी भर आपने डेयरी प्रोडक्ट लिया है मेरे कहने पे, कुछ दिनों के लिए छोड़ देते। अगर छोड़ते ही आपके दर्द कम होने लगे, आपके ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर की दवाइयां छूटने लगे तो ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो वापस से ले सकते। फिलहाल तो ये 3 दिन तक तो नहीं मिल रहा, देखते 3 दिन में क्या होता। पहले तो अगर 3 दिन में कोई प्रॉमिसिंग रिजल्ट मिल रहा है आपको तो सोच सकते हैं चलो 3 दिन और से। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको रिजल्ट मिलेगा तो आगे बढ़ते जाइए, है ना। क्योंकि अभी तक आप वही सारा ले रहे थे जो कन्वेंशनली बोला जा रहा था आपके लिए बड़ा हेल्दी है, तो वो सारा ले भी रहे थे तो हेल्दी क्यों नहीं हुए हम। अब उनको छोड़ने के बाद अब देख लेते क्या होगा। छोड़ना क्या है,
एज ए स्नैक्स, दिन भर में कभी मन करे तो स्प्राउट्स है, किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट्स है, मुट्ठी भर खा सकते हैं। मुट्ठी भर मतलब ऐसे दिया, खाना शुरू कर दिया, जितना मन भरे जितना पेट भरे खाइए, काजू खाइए, किशमिश खाइए, बादाम खाइए। कोई तो बोले काजू में तो कोलेस्ट्रॉल होता है फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बोलेंगे ना। एक बात याद रखिए, नेचर ने, गॉड ने सिर्फ एनिमल को पावर दिया है कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने। हमारा बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, किसी भी जानवर का बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाता है, प्लांट को ये पावर नहीं दिया। प्लांट के नॉट प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल। काजू कहां से आता है, प्लांट से आता है कि एनिमल से? जीरो कोलेस्ट्रॉल। कभी भी आपको जरा भी शक हो इसमें कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, आपसे इतना पूछ लीजिए कहां से आया है, ये जो भी मैं खाने जा रहा हूँ ये जानवर से निकल के आया है या प्लांट से? दूध कहां से आया? कोलेस्ट्रॉल। हाँ, मना करते हैं ना। देखिए डॉक्टर हमेशा मना करते हैं, वो सारी बातें मानते भी हैं, उसके बाद भी तो हालत नाजुक है ना। अब इसका उल्टा करके देखते हैं, और तीन दिन के लिए करके देखते हैं, हम तो यही बोल रहे हैं, राइट, जस्ट फॉर थ्री डेज, राइट। और थ्री डेज में अगर कुछ मिल गया जो कि कल तक देखेंगे आप, चलो भाई तीन दिन और से, और रिजल्ट तो आप तो जाइए। अगेन रिजल्ट का हमारा डेफिनेशन है, आपकी एनर्जी बढ़नी चाहिए, वीकनेस कम होना चाहिए, पेन कम होना चाहिए, दीज आर द रेफरेंस पॉइंट, राइट। फर्क 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, कितना भी खा सकते हैं, लेकिन शाम को सनसेट से पहले धूप में बैठिए 40 मिनट, 40 मिनट नहीं बैठना है तो करिए 20 मिनट बैठ लिए, अच्छा 20 मिनट भी बैठना 10 मिनट बैठ लिए, कुछ तो सनलाइट एक्सपोजर एवरी डे, कुछ तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप बैठे हैं और अगर आपका पैर धूप पड़ गया तब भी हो गया काम, आपके बॉडी में जितना धूप चाहिए वो सोख ले। तो ऐसा नहीं कि धूप में तपना है, थोड़ा सा बॉडी का पार्ट भी अगर उसमें पड़ जाएगा 10-15 मिनट के लिए भी, तब भी और डेली बेसिस पे होगा काम करेगा। कोई अगर बोलेगा मेरे पास 10-15 मिनट भी नहीं है तो वो बीमार रहने के लिए पैदा हुए। ये वो चीजें हैं जिनके प्लेसमेंट कोई दवा हो ही नहीं सकती जीवन, थोड़ा सा करना है। आप ये मना माइंड मेकअप कर लीजिए, रोज जब मैं नाश्ता करूंगा मैं खिड़की के वहां बैठूंगा जहां थोड़े बहुत रेस रंगी मेरे बॉडी में पड़ जाए, एक ऐसा रूटीन बना सकते हैं। इस तरह से कोई ना कोई जुगाड़ आपको बनाना पड़ेगा। So this becomes food as medicine. अब अगर पहले दो मेडिसिन को जोड़ लें, पहला मेडिसिन क्या था, टाइम एज मेडिसिन, दूसरा क्या है, फूड एज मेडिसिन, तो ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं इतना ही काफी है फॉर मोस्ट ऑफ यू टू फील द डिफरेंस। कल से अभी तक ये दोनों फ्री के हमने जोड़ा हर एक के लिए। अब तीसरा, ये सबसे इंटरेस्टिंग, जहां पे एक इंसान बहुत बीमार पड़ गया, डायलिसिस पे चला गया है, ऐसे पेशेंट्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे पेशेंट जिनको सांसें नहीं आती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है, उनके लिए हमारे हॉस्पिटल में जब आते हैं तो उनको ग्रेविटी एज मेडिसिन देते हैं। ग्रेविटी एज मेडिसिन क्या है, देखिए जब मैं अभी खड़ा हूं तो अब ऐसे करते हैं, मान लो जब पेन लिखते हैं तो पेन का जो इंक है लाल कलर इंक है मान लो, वो नीचे जा रहा है तभी आप लिख पाते हैं, तभी तो वो इंक पेपर में आया आ जाता है। ग्रेविटी इंक को पुल कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ और वो इंक पेपर में आ रहा है। मान लो हमारी बॉडी एक पेन है और ब्लड जो है वो इंक, तो ग्रेविटी नीचे हमारे खून को खींच रही है, लेकिन हमारा खून तो सिर पे भी है, हार्ट उल्टा खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, हार्ट ऊपर खींच रही है, दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। जो किडनी पेशेंट हैं हमारे यहाँ पे अभी 1/3 किडनी पेशेंट, इसीलिए जो अब मैं बोलने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं जानता हूं अपने एक्सपीरियंस से, आज मैं जो बोल रहा हूं वो सारे पेशेंट कल वही वाला सवाल पूछने वाले हैं जिसका जवाब मैंने आज दे दिया। खासतौर पर जो किडनी पेशेंट हैं वो जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ सिर्फ थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके एक मिनट में जो बोलने जा रहा हूँ, कैसे पता चलेगा कि आप किडनी पेशेंट हैं या नहीं हैं? हम कैसे पता करते हैं? हम वो टेस्ट रिपोर्ट को नहीं देखते, आप दिखाएंगे तो देख भी लेंगे वो अलग बात है, बट उस पर ध्यान नहीं देते। खास तौर पर क्रिएटिनिन कितना है, यूरिया कितना है, पोटेशियम कितना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बात याद रखिए, जितने किडनी पेशेंट हम देखते हैं हमारे हॉस्पिटल में देखते हैं, इतना किडनी पेशेंट कोई नहीं देखता होगा किसी भी हॉस्पिटल में, राइट।
तो हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है किडनी पेशेंट देखने का, तो हम कैसे देखते हैं वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। हम ऐसे देखते हैं कि पेशेंट के क्लासिक सिम्टम क्या क्या हैं, ये समझ लीजिए आप भी किडनी पेशेंट पहचान पाएंगे, आप खुद किडनी पेशेंट है कि नहीं वो भी पहचान पाएंगे। पहला सिम्टम सूजन है कि नहीं पैरों में हाथों में, राइट। पहला सिम्टम सूजन वो नहीं जो लेंस से देखें, सूजन वो कि मैं सामने पेशेंट है इतनी दूर से मुझे दिख गया सूजन है तो ही वो सूजन माना जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप बैठे अगर यहां से मैं देख पा रहा हूं और सूजन नहीं दिख रहा तो सूजन नहीं है वो, बस विजिबली अगर देख के पता चल रहा है सूजन है तो इसको स्वेलिंग मानिए, पहला सिम्टम। दूसरा सिम्टम यूरिन आउटपुट, पेशाब कितना, ये आप घर पे कर सकते हैं 24 घंटे में एक बोतल में जब भी पेशाब आए डालते जाइए, अगर वो आधे लीटर से कम है तो ये हो गया दूसरा सिम्टम, यानी कि सोचने की जरूरत है, राइट। तीसरा सिम्टम अब आ जाता है ब्लड प्रेशर कैसा है, अनयूजुअली हाई 200/100, दवाई के बाद भी 180/100, दवाई भी कुछ नहीं कर सकती है, सारी दवाई फेल हो गई तब भी हाई रहता है 180/100, 200/100, ये हो गया तीसरा। चौथा, इन एडिशन टू दिस खुजली हो रही है बॉडी में। चौथा, जब पेशाब के रास्ते बॉडी टॉक्सिक को फेंक नहीं पाता है तब बॉडी स्किन के रास्ते फेंकता है, पेशाब तो कम आ रहा है तो बॉडी क्या करेगा स्किन के थ्रू फेंकने की कोशिश करेगा, ऐसे में आपको खुजली होगी, तो खुजली भी हो रही साथ में तो ये चौथा निशानी होगी। और इसके अलावा वीकनेस एंड वॉमिटिंग, एक्सट्रीम कमजोरी। कमजोरी क्यों, आपके बॉडी में पानी भरता जा रहा है, आपके बॉडी में टॉक्सिक जमा होते जा रहे हैं, तो आपके हार्ट बीट होना, आपके लंग्स का काम करना, उसके ऊपर दबाव पड़ गया तो आप कमजोर फील करेंगे, आप हाँफेंगे, तो ये हो गया पांचवा सिम्टम, राइट। उल्टी बार बार करेंगे, राइट, आपकी सांसें ठीक से नहीं आएंगी, तो ये हो गया पांचवा सिम्टम। इन पांच में से अगर कोई तीन एक साथ है, इवन दो भी एक साथ है, तो हम बोलेंगे कि ये किडनी पेशेंट है, फिर चाहे उसका क्रिएटिनिन वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल हो तब भी। तो जब भी आप मुझसे बात करेंगे कि किडनी के कॉन्टेक्स्ट में, तो पहले तो ये पांच को आप खुद ही देख लीजिए, ये पांच में से पांचों आप खुद ही देख सकते हैं ना, राइट। तो अब हमें क्या करना है, पांचों में से इन पांचों को ठीक करना है, अगर हमने ठीक कर दिया तो यानी कि किडनी ठीक से काम कर रही तभी ये हुआ। आप अगर पसीने की एक बूंद लेंगे और पेशाब की एक बूंद लेंगे और उसको लैब में टेस्ट कराएंगे तो आप पाएंगे कि पसीना और पेशाब सेम है, पेशाब में भी क्रिएटिनिन मिलेगा, यूरिया मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, शुगर मिलेगा, ग्लूकोज, वही सारा कुछ मिलेगा पसीने में जो पेशाब में मिलता है, तो पेशाब भी वही है और पसीना भी सेम है, रूट रास्ते अलग अलग है, दोनों का जो एक गोल है वो सेम ही। ये जो एक पोस्चर है, ऊपर से कोई डरा दे कि आप तो कोरोना के पेशेंट हैं, राइट, और आपको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, आपकी वजह से बाकी लोग भी मर जाएंगे, और ऐसे बिठा दें आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि उस तरह के पेशेंट्स इसी पोस्चर में होते हैं, ऊपर से मास्क लगा लेते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में कुछ समय पहले एक बूढ़ी महिला आई, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो मैंने मास्क उतारा, आप सांस ले पा रही हैं? हाँ आप सांस ले पा रही हूँ। मैंने कहा आप इसे मास्क मत पहनिए। तो कॉमन सेंस भी कई बार काम कर सकता है, हमेशा काम कर सकता है। दिस पोस्चर, जब ये पोस्चर होता है, हार्ट इज ऑन द टॉप, लंग्स से की कैपेसिटी 20% रिड्यूस होने लगती है, जिससे आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी, और जिसका लंग्स पहले से भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज है उसको और ज्यादा हो, है ना। तो ये जो पोस्चर है, ये पोस्चर में आप ठीक से सांस नहीं ले पाएंगे, और जो पहले से ही थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज है उसकी सांसें और कम होने लगेगी, ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो ऑक्सीजन सेचुरेशन कम दिखता रहेगा, आप भी लगा के देखेंगे आधा घंटा से करेंगे तो आपका भी कम हो जाएगा इसी वक्त हाथों हाथ। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार पड़ गए, इसका मतलब कि दिस पोस्चर नीड टू बी चेंज। अब ऐसे अगर कर लेते हैं, हम अपने हॉस्पिटल में यही सिखाया हमने डॉक्टरों को कि जैसे ऐसा कोई पेशेंट मिलता है जो किडनी पेशेंट को भी सांसें नहीं आती तो उसको बोलते हैं आप ऐसे बैठ जाइए, जब ऐसे बैठेंगे अभी भी अगर आप बैठेंगे आप महसूस करेंगे आपका लंग्स खुल गया इसी वक्त विद इन 1 सेकेंड, राइट, और आपकी सांसें बड़ी अच्छी आ रही है ऐसा आप महसूस करेंगे, राइट। तो जब ऐसा बैठाते हैं हम पेशेंट को, उनको ऑक्सीमीटर लगाते हैं, तो 20-25 मिनट के अंदर उनको ऑक्सीमीटर में भी रीडिंग बढ़ जाती है, लेकिन ऑक्सीमीटर इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए,
वो तो खुद भी बता रहा है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूं, वही काफी। तो ग्रेविटी एज मेडिसिन, हार्ट नीचे है, लंग ऊपर है, लंग की कैपेसिटी बढ़ गई बाय 20 और बात बन गई। तो बजाय इसके कि ऑक्सीजन सिलेंडर उसके मुंह पे लगाए हैं, हम उसका पोस्चर बदलते हैं। जो हम अचीव करना चाहते हैं वो ये अचीव करना चाहते हैं कि इंसान सांस ले पाए, कंफर्टेबल हो जाए, वो तो ऐसे अचीव हो रहे हैं। कई सारे पेशेंट होते हैं जो इतने कमजोर होते हैं वो बैठ ही नहीं सकते, तो फिर अगला ऑप्शन क्या है, लिटाना, लेटना। आपने गौर किया हो जब आप स्कूल में हम लोग जब पढ़ते थे तो असेंबली में खड़े खड़े बहुत सारे बच्चे आप में से कुछ हो सकते हैं गिर जाते थे, तो ऐसा क्यों होता, क्या वो कमजोर थे? आप कोशिश करें कभी थोड़ी बहुत अगर दिन में इच्छा है या थोड़ी हिम्मत है या जिज्ञासा, 20 मिनट अगर ऐसे खड़े हो जाएं बिना हिले डुले, तो 20 मिनट के बाद आपका ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी हैवी हावी होने लगता है और आपका हार्ट कमजोर पड़ने लगता है, आपका ब्लड सिर से नीचे की तरफ पैरों की तरफ इकट्ठा होने लगता है। जब ब्लड एक मात्रा से कम हो जाएगा तो आप में बेहोशी आएगी और आप गिर पड़ेंगे। गिरते ही आपके बॉडी के सारे ऑर्गन एक ही लेवल पे आ गए ना, हार्ट बीट, आपका ब्रेन भी सब एक ही लेवल पे आ गए, तो सर्कुलेशन दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा और 2-4 मिनट में वो दोबारा से होश में आ जाएगा। उस 2-4 मिनट में आप उसके ऊपर पानी छिड़कें, कोई झाड़ फूक करें, कोई मंत्र पढ़ दें, वो 3-4 मिनट में उठ के होश में आना ही है। तो जब वो लेटा है वही उसकी मेडिसिन थी, ग्रेविटी इज मेडिसिन। ग्रेविटी अब हावी नहीं हो पाएगी बिकॉज बॉडी के सारे ऑर्गन एक ही लेवल पे हैं। इसीलिए जब आप थक जाते हैं तो खड़े हैं तो बैठ जाते हैं, तब भी थक जाते हैं तो फिर लेट जाते हैं। जब हम लेटते हैं तब हमारी थकान गायब क्यों होती है, क्योंकि ग्रेविटी सारे ऑर्गन पे हावी नहीं हो पाती बिकॉज ऑल द ऑर्गन आर द सेम लेवल। ग्रेविटी एज मेडिसिन जो हम बचपन से करते आए, जब भी हम थक जाते हैं बोलते हैं ना बैठना है या लेटना है, खड़े क्यों नहीं रहना है? खड़े इसलिए नहीं रहना बिकॉज ग्रेविटी इज मोर पावरफुल व्हेन यू स्टैंड। जितना दूर आपका बॉडी का हार्ट रहेगा ग्रेविटी से, उतना मेहनत हार्ट को ज्यादा करनी पड़ती है। जब कोई बेहोश होने लगे तब अगर दो लोग उसके दोनों बाजुओं को पकड़ ले, उसे गिरने ना दे और ऐसा 20-25 मिनट करे तो इंसान मर सकता है या मर जाता है। माउंटेन क्लाइंबर्स कई बार गिरते हैं लेकिन उससे हुक से लटक जाते हैं, जब लटक जाते हैं तो इस पोस्चर में रहते हैं, तो धीरे 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 पैरों की तरफ ब्लड पूल होने लगता है एंड दे डाई। अब ऐसे पेशेंट जिनको सांसें ठीक से नहीं आ रही है और बहुत कमजोर है, वो बैठ भी नहीं पा रहे हैं, तो एक तो तरीके का ऑक्सीजन लगा दो, राइट? लेकिन ऑक्सीजन लगाएंगे तो लंग में निमोनिया हो जाएगा कुछ समय बाद, क्योंकि अभी जब आप सांसें ले रहे हैं क्या आप ऑक्सीजन ले रहे हैं? ऑक्सीजन तो छोटा सा पार्ट है, राइट? आप एयर इज द वन विच यू ब्रीदिंग, प्योरली ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे या मोस्टली ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे तो दैट विल कॉज निमोनिया, वो तो हम चाहते नहीं। एक तो पहले से ही लंग कमजोर है। ऐसे पेशेंट जब लेटते हैं, अब देखिए जब मैं लेट रहा हूं या आप जब लेटेंगे आई नाउ लाइक दिस, तो हार्ट ऊपर है ना, लंग नीचे है, तो लंग्स को वो दबाता है, ग्रेविटी काम करती है, लंग की कैपेसिटी रिड्यूस बाय 20%। ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं ऐसे लेट जाओ, प्रोन वेंटिलेशन। अब जब ऐसे लेटा हुआ है, हार्ट नीचे है, लंग ऊपर है और फेस इस तरफ है और यहाँ पे नाक के सामने एक हम फैन लगा रहे। अब जो फैन 200 रुपए का फैन आता छोटा सा, वो फैन की हवा, ठंडी हवा जब नाक पे पड़ती है, मुंह की इस पार्ट पे पड़ती है, तो पीछे रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर आपके लंग्स को स्विच ऑन करता है, एक्टिवेट करता है। ये सिंपल साइंस है। जब भी किसी को सांसें ना आए, हमारे हॉस्पिटल में जगह जगह पे छोटे फैन रखे हुए हमारे डॉक्टर्स को पता, तो वो फैन पकड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ के रिसेप्टर को एक्टिवेट करना चाहते हैं। ये एक्टिवेट होते ही लंग खुल जाए, खुलते ही आपको सांसें आने लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट। जब वो कोरोना काल जिसे बोलते हैं, हमारा हेल्पलाइन होता था, अभी भी हेल्पलाइन, जिसमें कभी भी कोई फोन कर सकता था, और कई बार फोन करते करते लोग बोलते हैं कि ऐसे इमरजेंसी में, क्योंकि सांसें नहीं आ रहा पेशेंट को, तो हम बोलते हैं ऐसा कुछ कर लो, ये कर, जो मैंने आपको बताया। पेशेंट तो मान ही नहीं रहा, पेशेंट बोलता हॉस्पिटल ले चले, अब लेके कहाँ जाए? हम बोलते थे हाँ उनको हॉस्पिटल ले जाइए, गाड़ी में बिठाइए, गाड़ी में बैठ गए और आगे बिठाइए, अब गाड़ी चलाइए, खिड़की खोल दीजिए,
और पेशेंट को बोलिए बाहर झांकना, हॉस्पिटल आया कि नहीं। जैसे ही पेशेंट बाहर झांकता है, वो गाड़ी चल रही है तो हवा लगती है उसके मुंह पे, और हवा लगते है उसके मुंह पे तो लंग एक्टिवेट हो जाता है, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, उसकी सांसें ठीक होने लगती है। और बाय द टाइम हॉस्पिटल पहुंचता है, अब हम बोलते हैं उसे पूछना जरा क्या आप ठीक कर रहे हो, तो गाड़ी घुमा लो भाई। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ग्रेविटी एज मेडिसिन, कि ग्रेविटी आप में से कुछ लोगों को हॉट वाटर इमर्शन का में बिठाया होगा। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने? काफी सारे। जब आप हॉट वाटर इमर्शन में बैठते हैं तो दो बातें होती हैं। एक तो अभी हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली पूरे बॉडी के। जब आप पानी के अंदर बैठे हैं, मान लो यहां तक पानी है, तो यहां से ऊपर वाले हिस्से में सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, इससे नीचे वाले हिस्से में एटमॉस्फेयर प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर, पानी का प्रेशर। वो पानी गर्म भी है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्म होते ही ये पोर्स एक्सपैंड होते हैं और प्रेशर एक्सिस है। जब ये दोनों चीज एक साथ होने लगते हैं, योर स्किन बिकम्स द थर्ड किडनी। तो इस तरह से आपका सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और जो टॉक्सिक पेशाब के रास्ते नहीं निकल पा रहा था, वो स्किन के रास्ते निकलता है। और ऐसा 2 घंटे जब हम करते हैं, देखते हैं कि 500 ग्राम पेशेंट का वेट भी कम हो गया, फिर उसके यूरिन आउटपुट भी बढ़ गया, उसका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। तो यहां भी हम कर रहे हैं, और जिन लोगों का उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि धीरे धीरे उनकी दवाइयां छूटने लगती है, बीपी की, उनकी डायलिसिस की जरूरत कम होने लगती है। ये सारे उनको फायदे होते हैं। यहाँ पे कौन सा मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं? ग्रेविटी एस मेडिसिन। लेकिन ये सबको नहीं करना है, जिनको जो सिम्टम है उसके आधार पे इसके कई सारे टेक्निक्स हैं जो हम आपको सिखाएंगे। लेकिन सिखाएंगे भी वो वाले जो जिसको जिसकी जरूरत है, जिनको जरूरत ही नहीं है उनको बहुत सारी चीज सिखाएंगे तो हम आप कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो यहीं पे अगला आता है हीट एज मेडिसिन। हीट एंड ग्रेविटी दोनों एक साथ काम करते हैं। हम इसको अक्सर यूज करते हैं, यहां पे भी हम यूज करते हैं हॉस्पिटल में। जब भी कभी किसी को बुखार होता है तो हम आप लोग क्या करते हैं, पैरासिटामोल ले लेते हैं। पैरासिटामोल बुखार को नीचे कर देगा। बुखार हमारा दुश्मन नहीं है, बुखार हमारा दोस्त है, इसको समझना पड़ेगा। इट इज नॉट अवर एनिमी, क्योंकि बुखार बॉडी कर रहा है एज ए वेपन। जिस प्रकार कोई भी एनिमल, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जैसे हाथी, अगर उसका ऑक्सीजन सप्लाई आप स्विच ऑफ कर देंगे तो जिंदा नहीं रह सकता, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक उसी प्रकार जब वायरस एंड बैक्टीरिया को हीट देंगे, हीट, तो वो जिंदा नहीं रहेगा। एट हाई टेम्परेचर वायरस एंड बैक्टीरिया बिकम आइदर डेड और बिकम इनएक्टिव, डिसइंटीग्रेट होने लगते। ये हमारे बॉडी को पता है, जब भी हमें इंफेक्शन होता है तो बॉडी हीट देता है, जिसे हम फीवर बोलते हैं। तो फीवर हमारा दोस्त हुआ हीट एज मेडिसिन। हम अक्सर यही करते हैं कि ऐसे पेशेंट को हम बिठा देते हैं ऐसे, और दोनों पैर को लेके बाल्टी के अंदर डाल दिया, और बाल्टी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। ऐसा करने के बाद पहले उनका फीवर थोड़ा बढ़ जाएगा आधा डिग्री, और उसके बाद बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। तो हीट एज मेडिसिन। ऐसा करने के बाद जिनका बीपी ज्यादा है वो करीब 20 यूनिट कम हो जाता है, MMHg कम हो जाता है आधे घंटे में लगभग लगभग। ऐसा करने के बाद जो मेंटली अनस्टेबल पेशेंट है वो थोड़े ठीक फील करते हैं। तो हीट कैन बिकम अवर मेडिसिन। तो लेकिन कब करना है, कितना करना है, ये आपको लिख के भी देंगे, और जिनको जरूरत है उनको कर भी रहे हैं, और अगर घर पे भी करना है तो वो हम कैसे करना है हम बताएंगे। एक आखिरी मेडिसिन की हम बात करते हैं, दैट इज अर्थ एज मेडिसिन। आप अभी कल से आज तक अपने रूम में जब, तो आपने एक 0 वोल्ट बेडशीट देखा है, राइट, जिस बेडशीट पे आप सोते हैं। यहाँ भी जिन लोगों के पैर में सॉक्स नहीं है, आपके पैर पड़ रहे हैं, आपने सुबह वाले लेक्चर में देखा होगा, और ये यहाँ से एक तार गया है जो नीचे तक कनेक्टेड है, और जिससे आप अर्थ से कनेक्टेड है, जिससे आपकी बॉडी की वोल्टेज 0 वोल्ट। आपने गौर किया होगा, मैं एक उदाहरण के माध्यम से अगर मैं बताऊं, अभी मेरा फोन फ्लाइट मोड पे, फॉर एग्जाम्पल, और अगर ये फोन, अभी ये फोन लेके फ्लाइट मोड पे होते हुए मैं यूएस में कहीं
फ्लाइट पकड़ लूंगा और वहां पहुंच जाऊं, वहां जब मैं मोबाइल देखूंगा तो टाइम कौन सा बताएगा? इंडिया वाला बताएगा ना, राइट? वहां वाला नहीं बताएगा, यहाँ वाला बताएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि वहीं वाला टाइम बताए तो क्या करना पड़ेगा? वहां के नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। वहां के नेटवर्क से मैं अगर एक महीने बाद कनेक्ट करूंगा तो एक महीने बाद वो यूएस का टाइम बताना शुरू करेगा। वहां के नेटवर्क से मैं उतरती कनेक्ट कर लूंगा तो तब से बताना शुरू करेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि हम जिस भी जगह पे हैं वहां के नेटवर्क से मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हाँ ये सिंक होगा और तभी जाके कोई भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचेगी और हमारे हिसाब से पहुंचेगी, ये हमें पता है। तो देश में जाएंगे, यूएस जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, जो ज्यादा दूर देश है, तो वहां पहुंचने के बाद आपको जेट लैग होता है। जेट लैग समझते हैं कि दिन में नींद आएगी क्योंकि उस वक्त यहाँ पे रात है भारत में, और रात को नींद नहीं आएगी क्योंकि वहां उस वक्त भारत में दिन है, और आपके बॉडी का जो बॉडी क्लॉक है वो यहाँ के हिसाब से सेट है, और कई दिन लग जाते हैं धीरे धीरे करके आप वहां के हिसाब से सेट होते हैं। जिस तरह से मोबाइल को वहां के नेटवर्क से कनेक्ट करते ही वहां के टाइम जोन से कनेक्ट हो जाता है और मोबाइल वहां का टाइम दिखाने लगता है, ठीक उसी तरह से आप भी वहां उतर के वहां के जमीन से वहां के नेटवर्क से कनेक्ट होना है। यानी कि जैसे हवाई जहाज से उतरे, जहां मौका मिला जूते उतारे और वहां की मिट्टी में वहां की घास में पैर रख दिया, ऐसा 40 मिनट तक किया, तो आपके बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो रीसेट होगी। तो जियो मैग्नेटिक फील्ड से जो सिग्नल रिसीव करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन बॉडी से अर्थ रिसीव करेगा, उसके हिसाब से बॉडी के हर ऑर्गन की सेटिंग चेंज होगी और जिससे आप ट्यूनअप हो जाएंगे और आप वहां के रात के हिसाब से आपको नींद आने लगेगी और वहां के दिन आपके हार्मोनल जो साइकिल है वो चलने लगेगा। रात को जब आप सोते हैं, अभी जब आप सोएंगे, सोने से पहले आपके बॉडी को पता है कि आप 10 बजे तक सोना चाहते हैं, तो 9 बजे से ही आपका बॉडी ब्लड प्रेशर आधा डिग्री कम कर देता है, आधा डिग्री थोड़ा सा आपके बॉडी का टेम्परेचर मामूली सा कम कर देता है। जब ये दोनों आंकड़े कम होते हैं तो बॉडी में हार्मोन प्रोड्यूस होता है मेलाटोनिन, जब वो प्रोड्यूस होता है तो नींद का एहसास। तो जो लोगों को नींद नहीं आती है उनमें ये दो चीज नहीं बदलेगी, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ड्रिप नहीं करेगा, उनका टेम्परेचर थोड़ा सा ड्रॉप नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को नींद दिलाना हो तो हम क्या करते हैं कि उनको बोलते हैं कि अपने कमरे में, जिस कमरे में सोना है उस कमरे में तभी जाओ जब सोना हो, उस कमरे के टेम्परेचर को बाकी जगह से कम कर सकते हैं एसी के माध्यम से। अब दूसरा आंकड़ा कौन सा था? बीपी। बीपी को कम करने के लिए मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, बाल्टी वाला याद भूल गया। तो हम बोलते हैं ये आप कर सकते हैं कि सोने से पहले एक घंटे पहले आधे घंटे के लिए बाल्टी में दोनों पैर रख दो, उससे आधा डिग्री कुछ जो तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर के पेशेंट, जिन जो नॉर्मल प्रेशर के जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं उनकी बात नहीं करता, अगर तो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो ज्यादा नीचे डिप करेगा, और अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं है तो थोड़ा सा नीचे ड्रॉप करेगा। जैसे ही थोड़ा ड्रॉप करेगा और आपके बॉडी में ठंड आएगी तो आपको नींद आने लगेगी। तो नींद क्यों आ रही है? क्योंकि आपका बॉडी खास तरह का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है और ये ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, राइट? ठीक उसी तरह से इसका उल्टा एक और हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो सुबह प्रोड्यूस होता है जिससे अलर्टनेस आती है। लेकिन आप किसी और देश में जाएंगे, किसी और जोन में, टाइम जोन में जाएंगे, तब बॉडी की प्रोडक्शन का टाइमिंग को बदलना पड़ेगा। वो तभी होगा जब वहां के नेटवर्क से आप अपने आप कनेक्ट करेंगे। तो जिस तरह से ये मोबाइल काम तभी करता है जब ये नेटवर्क से कनेक्ट होता है। आपका मोबाइल 24 घंटे में कितने घंटे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं आप बोलेंगे 24 घंटे, लेकिन आपकी बॉडी कितने घंटे अर्थ नामक नेटवर्क से कनेक्ट होता है आप बोलते हैं कभी नहीं, कभी भी नहीं। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो धरती से जुड़ा नहीं रहता, बाकी सारे जानवर हमेशा धरती से जुड़े रहते। जो चिड़िया है वो पेड़ में बैठते हैं तो धरती से कनेक्ट हो जाते हैं, राइट? तो बीमारियां इसीलिए इंसान को लगती हैं। अभी एक लिफ्ट में एक पेशेंट की बेटी से मिला, ममता पेशेंट का नाम है, बैठे हैं आप?
उनकी बेटियां भी आई थी, तो बात हो रही थी, तो उनकी एक बीमारी है डेड बॉडी से डर, इस तरह को भी किसी न किसी चीज से डर, हम सबको किसी न किसी से डर लग सकता है, कोई ऐसी चीज जो होने नहीं वाली है उससे डर है। तो जब भी अगली बार आपको डर आए किसी भी चीज का, तो एक एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा, वो डर दिन में आए या रात में आए, इसको करके देखेंगे तो आप बता सकते हैं। वो ये कि जैसे ही डर में डर आए घर से बाहर जाइए, जाके चप्पल उतार के घास या मिट्टी में दोनों पैर और ऐसे बैठ जाइए। जब ऐसा करेंगे आप देखेंगे 25 मिनट 30 मिनट तक अगर ऐसा करेंगे, धीरे धीरे वो डर न जाने कहाँ गायब हो जाए। तो ये ऐसे काम करता है, जिस प्रकार आपने देखा है कि एक छोटा बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है, लेकिन जैसे ही माँ की गोद में आता है न जाने कहाँ उसका दुख दर्द गायब हो जाता, होता है ना, शांत हो जाता। ठीक उसी तरह से जैसे ही आप धरती माँ की गोद में आएंगे, जैसे ही आप टच करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स आप देखेंगे कि दिमाग के अंदर जो डर आ रहा था वो न जाने कैसे वैनिश हो जाए। ये कोई फिलोसफी नहीं है, ये एग्जैक्ट साइंस है। ये साइंस कैसे क्या है वो हम कल डिस्कस करेंगे, अभी तो बस मैं ब्रीफ दे रहा हूँ आपको। और लेकिन ये पता कैसे चलेगा, कभी ना कभी हम सब किसी न किसी चीज से डरते हैं, या गुस्से में कभी ना कभी आते, जब भी कभी गुस्सा भी आया आपको या किसी को गुस्सा आया तो बोले चलो बाहर चलो, अभी बताता हूँ, और चप्पल उतार और यहाँ बैठ गए। चप्पल उतार के अगर वो बैठ जाता है, मान जाता है इस बात को, तो गुस्सा नहीं कर सकता, तो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उसको स्विच ऑफ करने के लिए यू हैव टू कनेक्ट विद अर्थ। जैसे अभी भी आप अर्थ से इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जो लोग अभी बिना सॉक्स के अपना, तो ये जब कॉन्टिन्यूस बेसिस पे करेंगे तो देखेंगे कि पेन रिड्यूस होता है, डिप्रेशन रिड्यूस होता है, इससे जो साइकोलॉजिकल फोबिया है वो कम होता है, तो दैट इज कॉल्ड अर्थ एज मेडिसिन। और हमारी प्रॉब्लम क्या है कि मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी की, हम धीरे 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 अर्थ से पूरी तरह से डिसकनेक्टेड हो गए। आप गौर करेंगे, ये एग्जाम्पल मैं कई बार देता हूं कि जब भी कभी अर्थक्वेक आता है, जब भी कभी सुनामी आता है, सिर्फ इंसान मरता, बाकी जानवर नहीं मरते। वो जानवर मरते हैं जो इंसान के साथ कमरे में बंद रहते हैं, वो तो मरते हैं खैर, लेकिन जो खुले में जानवर कभी नहीं मरते। अर्थक्वेक आने से कुछ दिनों पहले से ही वो जानवर उस जगह को छोड़ के भागने लगते। चींटियां भी रास्ता कुछ महीने पहले से बदलने लगती है, वो चली जाती है वहां से। चींटियां हो, जानवर हो, पक्षी हो, हर तरह के एनिमल्स प्राणी वहां से छोड़ के चले जाते हैं। उनको पहले से कैसे खबर होती है, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। जमीन से जुड़े हुए तो इस तरह की सिग्नलिंग आती है जो कि आपको डिस्कम्फर्ट देगा, बोलेगा पता नहीं अजीब लग रहा भागो, तो वो एक इशारा देगा दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू लिव। पूरे दुनिया में बार बार देखा गया है कि जब इंसान ही मरता है, जब भी कोई भी अर्थक्वेक वगैरह आता है, बाकी लोग नहीं मरते। तो एक मॉडल बना लिया है, इसको कई बार आजमाया है कि जब भी एनिमल के बिहेवियर को देखो कि वो भागना चाह रहे हैं, समझ जाओ कि इंसान को ही भागना है। और ऐसे कई बार चाइना में कम से कम हुआ है जहां पे कि एनिमल्स भागे तो इंसान ने भी जगह छोड़ दी, तो और अर्थक्वेक आया और इंसान भी नहीं मरा। तो इंसान जमीन से जुड़ा नहीं रहता, तो वो जो सिग्नलिंग है, वो जो इंटेलिजेंस है, उस इंटेलिजेंस को हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। और उसी इंटेलिजेंस का ये भी काम है कौन सा हार्मोन कब कितना कैसे प्रोड्यूस होना है, वो बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उस क्लॉक की जो सेटिंग है, वो सेटिंग को भी अर्थ की सिग्नलिंग से मिलती है। तो वो सेटिंग अगर रैंडम होगा तो आप ठीक नहीं रह सकते। वो कैसे, आपने सुबह के लेक्चर में देखा कि आपकी घड़ी की टाइम रैंडम लगा लिया, उसी टाइम को फॉलो करेंगे तो आप कोई भी चीज ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ठीक उसी तरह से बॉडी के क्लॉक को, रैंडम क्लॉक को ठीक करने के लिए जमीन से जुड़ने की जरूरत है, जो कि आप कर रहे हैं। जो 72 आवर कोर्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी फीस में 0 वोल्ट बेडशीट का पैसे भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। इसका मतलब यह है संडे को जब आप घर जाएंगे तो वो बेडशीट एक किट के फॉर्म में आपको दिया जाएगा, ताकि घर जाके आप उसको इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करके जैसा यहाँ करते हैं वैसा वहां यूज करें। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, आपके घर में कुछ लोग ऐसे अगर हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, उन्हीं से शुरुआत कर सकते हैं कि भाई आप इस पे सोइए, और उनसे ऑब्जर्व कर सकते हैं।
और उससे पहले क्योंकि आप यहाँ पे हैं, सो रहे हैं, आप में से कई लोग मैं देख रहा हूँ जिनको नींद की दिक्कत है, हमने ये देखा है और कल तक ये देखेंगे और परसों तक देखेंगे कि उनमें से अधिकतर लोगों की नींद की दिक्कत कम से कम आप देखेंगे गायब होने लगी या पूरी तरह गायब हो गई। अच्छी नींद आती है आप महसूस करेंगे इन 3 दिन में, स्पेशली वो लोग महसूस करेंगे जिनको नींद कम आती है या नींद ना आने से परेशान। तो दैट इज कॉल्ड अर्थ एज मेडिसिन। तो ये सिंपल 5 मेडिसिन के बारे में हमने जिक्र किया, इनमें से 3 मेडिसिन ऐसे हैं जो सभी को लेना चाहिए,